एक सवाल मेरा यह है, आपने अपनी किताबों में कुछ ऐसी दवाइयों का जिक्र किया है जिनसे लिवर खराब होता है। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहां पे अपने सिम्टम्स बता देते हैं कि भैया पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जो दवाई दी जाती है हम खा लेते हैं बिना पूछे डॉक्टर से। क्या आप ऑन कैमरा कुछ ऐसी आम दवाइयों के नाम ले सकते हैं जिनसे लिवर खराब होता है और हम खाते हैं उन्हें? देखिए, मेडिसिन शुड बी योर लास्ट रिसोर्ट। मतलब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो तभी दवा लें, नहीं तो शरीर में इतनी ताकत और माइंड में इतनी ताकत हो कि वो बिना दवाई के ही काम चला लें। एक बहुत फेमस आर्टिस्ट होते थे, उनको बहुत हाई फीवर हो गया, बहुत फेमस फोटोग्राफर थे कंट्री के, तो मेरे को मिले तो बात करने लगे। मैंने कहा कि भाई मैं दवाई दे दूं? बोले नहीं, मैं रात भर थोड़ा सा प्रयास करूंगा, सुबह तक बुखार उतार लूंगा। और उन्होंने बुखार उतार लिया बिना दवाई के। कैसे? अब वो विल पावर थी और उस आदमी का अभी भी जिंदा है बहुत। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों को हमने भी दवाइयाँ देनी कम कर दी, बिकॉज इफ यू कैन, इफ यू हैव दैट रेजिलियंस एंड विल पावर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स द बॉडी कैन टेक केयर ऑफ। आई वुड सजेस्ट एंटीबायोटिक्स अवॉइड करना। बाहर खाया, कुछ पेट में गड़बड़ हो गई, एक एंटीबायोटिक खा ली। जरा सा सिर में दर्द हुआ, एक आपने पेन किलर ले लिया। बोथ ऑफ दीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर इंजरी, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स। थर्ड कॉमन कॉज इज ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ। ये सारी की सारी चीज़ें लिवर को नुकसान कर सकती हैं। पर हाँ, हम क्यों यूज़ करें? किताब में मैंने चार लाइफ लाइन की बात करी। पहली लाइफ लाइन है आपकी आपकी डाइट और आपका वेट, उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, डाइट पर भी और वेट पर। दैट इज योर लाइफ लाइन। सेकेंड लाइफ लाइन है आपकी एक्सरसाइज। आप करते हैं एक्सरसाइज? मैं ब्रिस्क वॉकिंग करती हूँ वॉक आफ्टर 80, जी, खाना खाने के बाद। 80 साल के बाद वॉकिंग, उससे पहले जॉगिंग अच्छा, और एनी अदर विग्रेस एक्सरसाइज। अच्छा, विग्रेस एक्सरसाइज क्या होती है? मतलब जिसमें कि काफी एक्सरसाइज हो, उसे क्या होता है? पसीना ज्यादा निकले। बिल्कुल सही कहा। जब जब तक पसीना नहीं आए वो वार्म अप है। जब से पसीना आए उसके बाद 30 to 45 मिनट्स, दैट इज एक्सरसाइज। और उसका एक बड़ा अच्छा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं टॉक टेस्ट। व्हाट इज टॉक टेस्ट? सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि आप शायद बोल ना पाए ऐसी एक्सरसाइज करने। एग्जैक्टली, यू आर 100% करेक्ट। तो जब आप बोल ना पाए, एक सेंटेंस खत्म ना कर पाए और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टॉक टेस्ट। दैट मीन्स यू हैव रीच द लेवल। ना हमें घड़ी चाहिए, वो महंगी महंगी घड़ियाँ आजकल आती हैं, वो सिर्फ मीटर से नापती हैं। 2000 मीटर कर लिया, 300 स्टेप कर लिए, नो पॉइंट। किलोमीटर्स में नापिएगा। ये नहीं कि मैंने 5000 स्टेप्स किए, 5 किलोमीटर किए, 10 किलोमीटर किए, वैसा वाले। तो एक्सरसाइज इज द सेकेंड लाइफ लाइन। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन इज योर दिनचर्या, ए रेस्टोरेटिव गुड क्वालिटी स्लीप। दुनिया में 2.5 तो सुख है। कौन से ये 2.5 सुख? 2.5 सुख है, 3 नहीं। पहला निरोगी काया, हेल्दी बॉडी। सेकेंड इज रात को अच्छी नींद आ जाए, बाकी आधे में सारी दुनिया। यू मे नॉट एग्री बट आई विल टेल यू, दिस इज द बेस्ट वे। नहीं, आई कंप्लीटली दिस अग्री। इज द बेस्ट वे। तो अब उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्वालिटी रेस्टोरेटिव स्लीप चाहिए। हमें नींद ऐसी नींद हो जो कि हमें रेस्टोर कर दे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। क्या होता है, आप 10 बजे के बाद तो कुछ खाना शुरू करते हैं, 11 बजे तक काम करते हैं, 12 बजे तक करते हैं, और फिर आप 2 बजे जाके सोते हैं। दैट चेंजेज योर होल लाइफ। द रीज़न फॉर ऑल दिस फैटी लिवर टुडे इन माई माइंड इज दिस, दैट यू डू नॉट ईट, जिसे कहते हैं ना टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, कि भाई सूर्यास्त के बाद नहीं, अब 7 साढ़े 7 तक आप खाना खा लीजिए। सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय के बाद। दिस इज यू नो द वे द आयुर्वेदा, द वे वी हैव ऑल इन द सेंचुरीज द इंडियंस हैव ग्रोन, इज दिस टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इंटरमीडियंट फास्टिंग कोई जरूरत नहीं, करें तो अच्छा है, बट द रेगुलेशन इज सिंपल। क्योंकि सबसे बढ़िया हार्मोन्स आपके बॉडी के सुबह 4 बजे जनरेट होते हैं। यू आर इन दैट रियल ब्रह्म मुहूर्त।
सो इट्स नॉट टीचिंग फिलॉसफी, इट इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है दिनचर्या, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, एंड यस अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना टाइम पे खा रहे हो, तो दीर्घायु होंगे, निरोगी रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। एंड फोर्थ लाइफ लाइन इज मेडिसिन, सो डोंट यूज फोर्थ लाइफ लाइन। जो होता है ना, वो एक शो आता था कौन बनेगा करोड़पति, फर्स्ट लाइफ लाइन, सेकेंड लाइफ लाइन, थर्ड, तो उसमें मेडिसिन है ही नहीं। मेडिसिन इज फोर्थ, फर्स्ट थ्री अपने आप को ओन योर बॉडी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यही तीन चीजें इंसान कर ले तो शायद नौबत ही ना आए आपकी दवाइयां खाने की। नहीं।